राज्य की मांग में अब युवतियां और महिलाएं भी अपना कदम बढ़ा रही हैं। महोबा में जीजीआईसी कॉलेज की छात्राओं ने पीएम मोदी को राखी भेजकर उपहार में बुंदेलखंड राज्य की मांग की। बुंदेलखंड की मांग को लेकर पिछले 2 माह से महोबा के आला चौक पर आंदोलनकारी अनशन पर बैठे हैं। बीते दिनों एक सैकड़ा लोगों ने सामूहिक मुंडन कराकर सरकार से अपना विरोध जताया था, तो इस बार पीएम मोदी से बुंदेलखंड राज्य की मांग करने के लिए 20,000 राखियां प्रधानमंत्री को भेजी गई है। महोबा जनपद के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर बुंदेली बहनों ने राखी भेजी है। जीजीआईसी कॉलेज में भी रक्षाबंधन के पर्व पर सैकड़ों छात्राओं व शिक्षिकाओं ने पीएम मोदी की तस्वीर को विधि विधान और संस्कार से तिलक कर राखी बांधी। साथ ही हजारों राखियां पैक कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उन्हें भेजी गई हैं। बुंदेलखंड राज्य में उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को बुंदेलखंड में गिना जाता है। इस समय सभी जिलों में बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अनशन चल रहा है। जीजीआईसी की सैकड़ों छात्राओं ने एकजुट होकर अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग करते हुए पीएम मोदी को अपना भाई बनाया और राखी भेजी। छात्राओं ने कहा कि अभी हम सबको अच्छी शिक्षा के लिए दूर जनपदों या राज्यों में जाना पड़ता है। अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने से बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास होगा, जिससे बुंदेलखंड की बदहाली भी दूर होगी। छात्राएं बताती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनके भाई इन राखियों के बदले उन्हें उपहार स्वरूप बुंदेलखंड का तोहफा जरूर देंगे। हमने पीएम अपने भाई समझ के हमने राखी बांधी है। हमें ये ख्वाहिश है कि हमने बुंदेलखंड राज्य की को अपने अलग करना चाहते हैं, कुछ उसमें विकास चाहते हैं, इसलिए हमने नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है भाई के रूप में, ताकि जो बेरोजगार है लड़कियां हैं और महिलाएं हैं मिलना चाहिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारे बुंदेलखंड को राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाए, जिससे वो अगर अलग होगा तो उसका कुछ अलग प्रोग्रेस होगी, अच्छा विकास हो सकेगा हमारे बुंदेलखंड राज्य को। इसलिए हम मोदी जी को अपने भाई के रूप में इसीलिए मानते हैं। आज हम लोगों ने अपने स्कूल में मोदी जी को राखी बांधी है, जैसे आला जी को चंद्रावल ने राखी भेजी थी, इसलिए आज हम लोगों ने भी मोदी जी को राखी बांधी। मोदी जी आपकी आला है? हाँ। क्या मांगती हो आला से, मोदी से क्या मांगती हो? मोदी से ये मांगना चाहती हूँ कि हमारा बुंदेलखंड छोड़ दे, दे दें। बुंदेलखंड राज्य दे दें। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए, जैसे हमारे आला और उदल को चंद्रावल ने राखी बांध करके सुरक्षा की गुहार लगाई थी और सचमुच उन्होंने सुरक्षा दी भी थी और पृथ्वीराज चौहान उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ था। ये तो रही इतिहास की बात, लेकिन आज हमें स्वयं इतिहास रचना है। और हमारे विद्यालय में 4,000 बच्चियाँ हैं, तो उन बच्चियों ने ये ठान लिया है अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आदरणीय तारा पाटकर जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा, कि बुंदेलखंड को अगर राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो हमें शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण और सड़कें, बेरोजगारी की बड़ी भरमार है, लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं रोजगार के लिए, तो हमें अगर राज्य का दर्जा मिल जाएगा आदरणीय मोदी जी को के द्वारा, तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और हम सशक्त हो जाएंगे अन्य राज्यों की तरह। महोबा में बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर धरने पर बैठे तारा पाटकर ने बताया कि अति पिछड़ा बुंदेलखंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वर्तमान सरकार भी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और अलग बुंदेलखंड राज्य बन जाने से बुंदेलखंड की बदहाली दूर हो जाएगी। बुंदेलखंड में रोजगार बढ़ेगा, जिससे यहां का पलायन रुक पाएगा। बंधन बुंदेलखंड के लिए तो खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार रहा है। शुरू से आला के समय से पता है कि उन्होंने जो है चंद्रावल ने राखी बांधी थी और रक्षा की मांग की थी। आज बुंदेलखंड की सभी बहनें जो है रक्षा की गुहार लगा रही हैं प्रधानमंत्री जी से कि उनको जो है बचाया जाए, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए, उनकी जो है शोषण से उनको बचाया जाए। और इस और ये अभी नहीं हो पा रहा है। बुंदेलखंड बनना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बुंदेलखंड बड़े राज्य की त्रासदी झेल रहा है। तो इसको बुंदेलखंड अगर छोटा राज्य बन जाएगा तो ये पिछड़ गया है जो विकास की रेस से, वो वापस आ जाएगा। न्यूज़ बीके के लिए महोबा से मामी खान की रिपोर्ट।